हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता। आज मैं आपको मिलवाऊंगी। मेरे सामने तीन स्टूडेंट्स हैं जो आपको थोड़ी देर में दिखेंगे, जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम अभी देके आए। एज फार एज मुझे तो इनका पता है कि कौन से बैच से, फिर भी ये वेटिकन के कौन से बैच से हम उनसे पूछते हैं, बताइए सर। मैम, वेटिकन इंस्टीट्यूट के टारगेट बैच से बिलोंग करते हैं। मतलब वेटिकन इंस्टीट्यूट के वेटिकन के टारगेट बैच से। राइट, अपना नाम बताइए सर। वन बाय वन। आई एम अमन। अमन, माय नेम इज ललिता। ललिता, माय नेम इज सर। तो तीनों का आप ये बताइए, कांस्टेबल का एग्जाम हेड कांस्टेबल वाला किस किस डेट को था और किस शिफ्ट में हुआ है? मेरा एग्जाम 17 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में था और मेरे 95 अटेम्प्ट रहे। 95 अटेम्प्ट करे, गुड, दैट इज अ ग्रेट थिंग। आपका ललिता। फॉलोइंग लेडीज फर्स्ट, मेरा एग्जाम इन दोनों से पहले था, 14 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम 17 अक्टूबर था लास्ट शिफ्ट, और मेरे अटेम्प्ट थे 89। मतलब आप अभी अभी पेपर देखे आ रहे हैं? मैं अभी अभी इंदौर से पेपर देके आया हूँ। कैसा फील हो रहा है? मतलब थके हारे हो? थका हारा थोड़ा सा तो है ही मैम, सफर की थकान। राइट, तो नंबर ऑफ मार्क्स तो आपने बता दिया कि कितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आए। पहले हम लेवल के बारे में बात करेंगे, पेपर का लेवल कैसा था? मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट कह सकते हैं, राइट। ठीक है, तो फिर सेक्शन इसमें काफी सारे हैं, जैसे इंग्लिश का सेक्शन है, कंप्यूटर का सेक्शन है, मैथ्स का है, रीजनिंग का है, साइंस का है। चारों पांचों में से आपके लिए सबसे आसान सेक्शन क्या रहा? मैथ्स एंड रीजनिंग। माय फेवरेट इंग्लिश एंड मैथ्स एंड रीजनिंग की बात करते हैं, फिर क्या आया मैथ्स और रीजनिंग में? मैम, एक क्वेश्चन था एडवांस मैथ से, बाकी सारा अर्थमेटिक था। बाकी सारा अर्थमेटिक, एक क्वेश्चन एडवांस एंड अर्थमेटिक, दो कह सकते हैं। दो एडवांस से थे, बाकी सब अर्थमेटिक। एडवांस फोबिया होता है एज फार एज कंसर्न, 11th 12th वाला सब ये सोचते हैं 11th 12th वाला मैथ है, तो वो 10th लेवल तक का था। और उसमें टॉपिक कौन सा था ये बताइए। एक आया था एरिया और वॉल्यूम से, फ्रस्टम की वॉल्यूम, फ्रस्टम। और एक क्वेश्चन था ज्योमेट्री से, इन सर्कल की रेडियस निकाल के एरिया बताना था। तो आपके पेपर में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गाइस, लास्ट वाली वीडियोस में हमने कवर किया था कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, बट अभी एक शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नहीं आया। ललिता से पूछते हैं आपके मैथ्स के सेक्शन में क्या रहा है? मैथ्स सेक्शन में मैम मेरे 5 क्वेश्चन एडवांस से थे और 15 मेरे अर्थमेटिक के सेक्शन से थे। बात करें अगर हम एडवांस की, उसमें मेरे 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से थे, 2 एलजेब्रा से थे और 1 क्वेश्चन मेरा ट्रिगो से था। एक ट्रिग्नो से, 2 एलजेब्रा से और 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से। ठीक है, अमन आपकी शिफ्ट में क्या? सेम सब था मैम, 2 या 3 क्वेश्चन एडवांस से थे, बाकी के अर्थमेटिक से थे, लेकिन एडवांस का जो भी पोर्शन था वो इतना टफ नहीं था जितना हम समझ लेते हैं उसी। और अब बात करते हैं इंग्लिश की, आपका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश में क्या रहा? इंग्लिश में वही ग्रामर सेक्शन, उसमें सेंटेंस रीअरेंजिंग वगैरह, एक्टिव पैसिव ये था। और उसके अलावा वोकैब सेक्शन जो था वो सारा नया मैम की, जो हमारी इंस्टीट्यूट वाली, वेटिकन इंस्टीट्यूट वाली जो हमें बुक प्रोवाइड की गई है, वोकैब सेक्शन सारा उसमें ऑलमोस्ट कवर्ड था। तो ऐसे कोई न्यू वो तो था नहीं हमारे लिए कंसर्न, क्योंकि आप बता रहे हो कि पेपर मॉडरेट है, यानी जो पहले से आपने पढ़ा हुआ है वहीं से क्वेश्चंस आए हुए हैं। राइट, कंप्यूटर में क्या है? कंप्यूटर में मैम मेजर रोल रहा शॉर्टकट कीज का, जैसे इन दोनों से भी जैसे डिस्कस हुआ, तो मेजर रोल यही निकल के आ रहा है कि हर शिफ्ट में जो ज्यादातर पूछा जा रहा है वो शॉर्टकट की। टोटल कितने क्वेश्चन आए कंप्यूटर में? 10 में से 3 या 4 आए हैं आपके शॉर्टकट की से, और बाकी एक्सेल पावर पॉइंट। मेरा थोड़ा सा अलग था मैम, मेरे 4 से 5 क्वेश्चन एमएस वर्ड के थे, वो भी 2010 वाले। 2010 आपके में? मेरे में ज्यादातर क्वेश्चन वही एमएस एक्सेल की शॉर्ट कीज से था, और एक्सेल आया था। एक क्वेश्चन में से ये पूछा गया था कि फेसबुक क्या है, सोशल, तो फेसबुक सोशल मीडिया साइट। एंड अमन, शॉर्टकट कीज। तो गलती से भी शॉर्टकट कीज को पढ़ना मत भूलना, शॉर्टकट कीज पक्का पढ़ के जाना। नन अदर देन बट रीजनिंग आसान तो होती है, बट क्या ट्रिकी रही? एक या दो क्वेश्चन, बाकी सब ऐसे ही लेवल थे कि सब कर सकते हैं, पर एक दो क्वेश्चन हर एक चीज में होते हैं तो वो मुश्किल थे। एक्सेप्शन सारा भी तो बोलते हैं ना कि हल्के में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रह गए एक्सेप्शन की वजह से। राइट, और साइंस का क्या रोल था? साइंस का आज सच कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला मेरे शब्द में। एक क्वेश्चन आपके पास? बिल्कुल। और करंट अफेयर्स?
करंट अफेयर के तीन या चार क्वेश्चन थे, तीन या चार क्वेश्चन लास्ट 5 to 6 months, और उससे भी पुरानी करंट लाइन थी 5 to 6 months, बिल्कुल रिसेंटली जून में क्या हो रहा है, जुलाई में क्या हो रहा है, ये था। हाँ, एक दो क्वेश्चन था पुराना हम बोल सकते, जैसे दिसंबर 2021 का था मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन, तो रिसेंटली थी, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आपको पहले से ही पता था, मतलब प्रिपरेशन जैसे आप एक लेवल आ जाता है कि हाँ मैं 95 कर दूंगा, 99 कर दूंगा, आपके प्रिपरेशन के क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। प्रिपरेशन के स्टेप्स मैम, सबसे पहले तो यही है कि सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग हमें, जैसे कि अब हम टारगेट बैच के स्टूडेंट्स हैं तीनों, तो सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग तो हमें अच्छे से है ही। फिर उसके बाद क्लासेस लगाना छोड़ चुके हैं मेडिकल में, सेल्फ स्टडी से आप लोग अभी कर रहे हैं, टीचर्स डाउट लेने आते हैं बेसिकली आप। और दूसरा मेजर रोल है मॉक टेस्ट का, हम हर रोज एक मॉक टेस्ट देते थे जिससे हमें पता लगता था कि हमारा लेवल क्या है, हमारे मार्क्स क्या आ रहे हैं। एक टेस्ट रोज देते हो आप, और उसको एनालाइज करते हो, राइट। सो दीज वर द प्रिपरेशन स्टेप्स फॉर द टारगेट बैच स्टूडेंट्स ऑफ आवर वैदिकन इंस्टीट्यूट गाइज। तो ये एनालिसिस आप जाने से पहले पक्का देख के जाएं, क्योंकि अभी 22 तारीख तक दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के रेगुलर एग्जाम्स है शिफ्ट वाइज। हम वैटिकन इंस्टीट्यूट से आपको इन स्टूडेंट्स के साथ मिलवाते रहेंगे, कंटेंट आपको देते रहेंगे गाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।